वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार के द्वारा एक आवश्यक सूचना प्रसारित किया गया है। इस सूचना में क्या लिखा है हम पढ़कर सुनाते हैं। पंचायत वार्ड सचिव के सम्मानित वार्ड सचिव संघ के सम्मानित प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि आगामी 15 जनवरी दिन शनिवार समय 11 बजे से प्रेस वार्ता रविदास आश्रम पटना में बिहार के सभी चैनलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें प्रमुख मुद्दा बीजेपी कार्यालय के समक्ष 27/12/2021 को वार्ड सचिव अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मिलने के लिए बैठे थे, उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार के इशारों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण रूप से लाठी चार्ज एवं आंसू गैस के गोले एवं पानी के बौछार से कई सचिव घायल हुए, जिसमें गंभीर रूप से घायल भाई वैशाली जिला के जियाउल हक एवं सुपौल जिला के घायल भाई विकास कुमार का इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल भाई मुजफ्फरपुर के राजीव कुमार PMCH में भर्ती हैं। दिनांक 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया हुआ लेटर अभी तक वापस नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट में चल रहे केस को शनिवार वकील PK शाही को रखने हेतु आगे की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, इसे अति आवश्यक समझें। वार्ड सचिव संघ के द्वारा इस लेटर से यह चीज क्लियर हो रहा है कि वार्ड सचिव संघ पूरी मजबूती से रोज नई नई रणनीतियां बनाकर अपने लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और यह कहीं ना कहीं जरूर रंग लाएगी। ऐसे में बिहार के सभी वार्ड सचिवों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगी है। तो कल 15 जनवरी 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या नया निर्णय निकल कर सामने आता है उसको लेकर जरूर हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।